गाइस ये ब्रिज जो है टूट गया है, तो देखिए ये रहा। सो गाइस वी आर इन द अटल टनल, बड़ा ब्यूटी। तो गाइस तब भी मिल कितना जग्गी सिटी सेंटर जो पिछ। तो गाइस अभी हम पांग में हैं और सुबह के बज रहे हैं 10 और डेट है 11। तो अब हम जा रहे हैं सीधा मनाली की साइड। कल रात हम व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, एक्सट्रीम लेवल वाली ठंड हो गई थी और मुझे प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, चेस्ट पेन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन होने लग गया था। तो मैं रुक गया, जिस वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया हूँ, इतना ज़्यादा चेस्ट पेन था, मैं सो भी नहीं पाया हूँ। ओ माई गॉड गाइस ये ब्रिज जो है टूट गया है, इसका मेंटेनेंस चल रहा है और ये बहुत ही हल्का ब्रिज था वो टूट गया, इसको रास्ता बाईपास करके उधर से किया गया पीछे से। तो चलते हैं इस रास्ते से। तो ये रास्ता ऐसे ही होता है डेंजरस और स्कैरी, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, अपने पास तो बाइक है। हाँ यार ये पुल टूटने की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है गाइस। हाँ आगे निकाल ली, अभी बड़े पत्थरों पे हो क्या, नहीं निकली, उतर के निकालो। वी हैव रीच लाचुला पास एट ऑल्टीट्यूड 16,616 फीट। तो चलते हैं अब आगे, एक दो पास और आएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। और सामने पहाड़ों पे जमी हुई है बर्फ़, काफ़ी ज़्यादा ठंड, ठंडा ठंडा मौसम है, हवा आ रही है बहुत ठंडी ठंडी, तो जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत दिन हो गए ठंड में रहते रहते, अब ठंड बर्दाश्त नहीं है, अब मन कर रहा है कि चले ही जाएँ बस गर्मियों में अपने घर वापस, बहुत दिन हो गए, अब होम सिकनेस अब फील हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक आध और पास बढ़िया सा। तो गाइस राइड बहुत एक्सट्रीम होती जा रही है धीरे धीरे और फाइनली एंड आने वाला है राइड का, बट ऐसी ऐसी चीज़ें हमें दिख रही है ना, सीरियसली डर लग रहा है देख के भी। सामने आपको भी दिख रहा होगा वो ट्रक जो खाई से नीचे पड़ा हुआ है, सीरियसली मैन ऐसे ऐसे डरावने नज़ारा। अच्छा हुआ ज़्यादा नीचे नहीं गया तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा, देखो जितना मज़ा है ना गाइस उतनी ही सज़ा भी है, सीरियसली बहुत डेंजरस काम हुआ इस ट्रक के साथ, ये पत्थरों से लदा हुआ ट्रक था और सीधा नीचे जाके गिरा है। गाइस स्पीति वैली स्टार्टेड फ्रॉम हियर,
और कितने सारे टैंकर, कितने सारे ट्रक्स हैं यहाँ पे। और अभी जस्ट हमारी रजिस्टर में एंट्री हुई है, वहाँ पे हमारा नाम पूछा और हमारी बाइक का नंबर पूछा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हमसे पूछा गया। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, पूरी लद्दाख ट्रिप कर ली हमने, मतलब ऑलमोस्ट कर ही ली है, कंप्लीट हो गई है, एक दिन और बच रहा है, बट हमारे पेपर्स कंप्लीट है, कोई किसी ने चेक ही नहीं करे, कोई चेक नहीं करता पेपर्स, आप पेपर लाओ या ना लाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक नहीं करता, ना किसी ने परमिट चेक किए, बस हाँ उमलिंग ला के लिए हारने जाने से पहले परमिट चेक हुए थे, पर और कहीं परमिट चेक नहीं हुआ। अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं ब्लॉग भी बहुत कम कर रहा हूँ। तो गाइस मनाली पहुँच के ही मैं बताऊँगा आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है मुझे। तो गाइस हम अटल टनल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, हम पहुँचने वाले हैं। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। सो गाइस फाइनली वी आर एंटरिंग अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल, और यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट मनाली की तरफ और वहाँ पे करेंगे मज़ेदार एक स्टे, और ये हमारी ट्रिप का लास्ट स्टे होने वाला है, तो ये सीरियसली बहुत ही मज़ेदार होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए ये रहा अपना अटल टनल, स्पीड मेंटेन करनी है 40 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस वी आर इन द अटल टनल और चल रहे हैं हम अपनी 50 की स्पीड मेंटेन करते हुए, क्योंकि जो यहाँ पे लिमिट है वो 60 दी गई है, तो हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं अपनी बाइक की 50, और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं इसमें दोबारा से आया हूँ। तो चलिए मिलता है आपसे सीधा एग्जिट पे। अपनी हिमालयन इस टनल में पहली बार आ रही है, पिछली बार हमारे पास थी आर एस 200, उससे हम लेकर आए थे, पर इस बार हम अपनी हिमालयन से आ रहे हैं अपना सर्किट कंप्लीट करते हुए। तो बड़ी एक खुशी सी फीलिंग हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है अब। लेकिन एक चीज़ जो है बहुत बुरी है यहाँ के बारे में, जो मैंने एक टनल कश्मीर में देखा था बहुत बढ़िया था, इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा है, शायद एग्जॉस्ट है लेकिन पता नहीं, फिर भी डीजल की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, डीजल के धुएं की स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है, और वो स्मेल से मेरा सर दर्द होने लग जाता है, पहले से ही तबीयत ख़राब है और वो स्मेल से और मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अपन बढ़ रहे हैं एग्जिट की तरफ, और एग्जिट के पास स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आर, तो अपन अपनी बाइक को ले आएंगे 40। तो एकदम एग्जिट के पास तो इतनी सारी रोशनी लगी रहती है ना, मतलब जैसे दिन निकाल देते हैं बिल्कुल ही, वाह क्या टनल है, अमेजिंग, कितनी सारी रोशनी है, मतलब कि बाहर इससे ज़्यादा अंधेरा है। वाओ बड़ा ब्यूटी, थैंक्स एंड विजिट अगेन। तो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली, और हम रेडी हो चुके हैं आप जैसा देख ही रहे होंगे, और आज है डे 12th और फाइनल डे ऑफ आवर ट्रिप। तो आज हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए, दैट इज मेरठ। यहाँ से डिस्टेंस है करीब 528 किलोमीटर, जो कि गूगल दिखा रहा है 11.5 घंटे, और हम कवर करने की कोशिश करेंगे 9 से 10 घंटे में इफ पॉसिबल। और तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी बज रहे हैं 10 और कोशिश करेंगे 9 बजे तक पहुंचने की, 8 बजे तक पहुंचने की। बाकी चलो बाकी आपको सब कुछ रास्ते में दिखाई देंगे, मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो गाइस अपन को चले हुए मनाली से चले हुए करीब हो गए 90 किलोमीटर, और अभी थोड़ी देर में हम मंडी पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे रास्ता होगा, क्या कुछ होगा, व्यूज़ जो भी अगर कुछ अलग होगा तो आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज सीधा मिलेंगे आपसे लंच टाइम पे। तो गाइज अपन ने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया है कुल्लू में प्रधान जी रेस्टोरेंट पे,
काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि छोटा सा रेस्टोरेंट है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया हमको। एक छोटा सा ब्रेड 50 रुपीज़ का। तो अब यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया अपना और यहाँ से 488 किलोमीटर का रास्ता रहता है तो वहाँ पे पहुँच के अब थोड़ी देर बाद प्लेन्स क्रॉस करके, जब 5-6 घंटे प्लेन्स क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे लंच। तो आपको सीधा मिलता हूँ रोड पे बाइक पे। गाइस जो अपना ETA इतनी ज़्यादा बता रहा है वो 12 बजे का जो बढ़ता ही जा रहा है वो उसका शायद रीज़न ये है, बहुत लंबा ट्रैफिक जैम था, सीरियसली बहुत ही लंबा। और अभी भी देख रहे होगे आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, दूर दूर तक ट्रैफिक जैम ही दिखेगा आपको। अब चलो आगे कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अपना देखो UP 15 की हैरियर है, ये भाई भी अपना मेरठ से ही आया है, शीशे पर पैर रख रखा है, ऐसी हरकतें उधर के ही करते हैं। चलो मिलते हैं। तो गाइस ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है, सीरियसली हमें 5 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए और अभी तक भी देखो ये लाइन कैसी लगी हुई है। मुझे नहीं लगता ये अगले 5-6 घंटे भी खुलने वाला है। तो चलते हैं अभी, अब बच बच के ही जाएंगे क्योंकि दूसरी साइड से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बसेस वगैरह आ रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस अपन सुंदर नगर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, जब ज़्यादा टाइम नहीं है और रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो रोड का पैच है थोड़ी देर का होता है, जैसा कि पहले भी मैंने जब अपनी वीडियो बनाई थी 2020 में तब भी ये छोटा सा ही पैच था, तो अब की बार भी ये छोटा सा ही पैच है, मैंने और वीडियोज़ देखे हैं। तो चलिए फटाफट से इसको कवर करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे बढ़िया बढ़िया और भी नज़ारों के साथ। तो गाइस ये है ब्यूटीफुल वैली ऑफ सुंदरनगर, हम सुंदरनगर में आ गए हैं और यही वो जगह है जहाँ लास्ट टाइम हमने स्टे लिया था। और जाते टाइम भी और आते टाइम भी, और रात के 11 बजे एक बार, तो आते टाइम तो रात के 11 बज गए थे मैं स्टे लेने में। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कौन सा होटल था वो, हाँ शायद मेरे को याद है, मैं चेक करता हूँ क्योंकि वो इस रिवर के साइड में ही था। तो जस्ट अभी दिखाता हूँ आपको, बेसिलियो ग्रैंड, ये रहा यही होटल था वो बेसिलियो ग्रैंड जहाँ पे हम रुके थे पिछली बार। तो चलो बढ़ते हैं आगे, बोल लो थोड़ा सा ना। तो गाइस अपन ने लंच किया है 7 बजे शाम के 7 बजे अपन ने लंच किया है चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में, बढ़िया था और रीजनेबल से रेट थे, पेट भर के कर लिया दोनों लोगों ने। तब भी बिल कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 320 रुपये, है ना गाइस, बढ़िया। और बढ़िया खाना वाना किया, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी, पूरा पेट ऊपर तक फुल भर लिया है। अब 4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको, कुछ अनयूजुअल सा मिलता है रास्ते में तो, अदरवाइज़ तो स्ट्रेट ही है पूरा का पूरा रास्ता। चलिए बाय। तो गाइस जहाँ से 12 दिन पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी वहीं पे आज हम आपको फिर से लेके आ गए हैं, हम अम्बाला के धनुष पे। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है रात में, इसकी लाइटें कितनी बढ़िया लगती हैं। और ये रहा यहाँ पे जग्गी सिटी सेंटर जो पिछली बार हमारे बिल्कुल अपोजिट था। तो 2 मिनट यहाँ पे रुकते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, पूरे दिन की थकान के बाद मनाली से लेके घर तक का सफर बहुत ही ज़्यादा लंबा था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। और रात लास्ट का 1-2 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखदाई थे, बिल्कुल हेक्टिक। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है और GoPro भी डेड हो गया था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि GoPro भी लगी एकदम वीडियो बननी बंद हो गई थी अम्बाला के इनको जो धनुष बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से घर तक GoPro चलाई नहीं। तो अब घर पर आके मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नहा धो के बाहर आ चुका हूँ, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, मुंह काला हो गया, बिल्कुल सामान बिल्कुल सड़ा हुआ, सब कुछ ख़राब। तो अब नहा धो के बाहर आ गया हूँ। तो आप बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, पूरी लद्दाख सीरीज़। मैंने पहली बार ऐसी कोशिश करी है कि कोई पूरी की पूरी सीरीज़ बनाने की, लास्ट की कुछ वीडियोज़ थोड़ी सी इनकम्प्लीट टाइप की हैं बट उससे पहले की सारी वीडियोज़ कम्प्लीट थी। तो आप बताना आपको कैसी लगी सीरीज़। तो चलिए मिलते हैं आप सब लोगों से ऐसी किसी और नई सीरीज में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।